उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने जोरों पर है, जिसका अंदाजा यहां आने वाले भक्तों की भीड़ से लगाया जा सकता है। यात्रा में प्रशासन की तरफ से भी यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसका जायजा लेने डीजीपी अशोक कुमार खुद भक्तों के बीच पहुंचे। उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा का जायजा लेने के लिए डीजीपी अशोक कुमार रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा में तैनात पुलिस प्रभारियों का परिचय लेते हुए यात्रियों के सुविधाओं की जानकारी ली और निर्देश दिया कि हमारे स्तर पर ऐसी व्यवस्था बने कि किसी भी यात्री को परेशान ना होना पड़े। वहीं डीजीपी ने यात्रियों से बातचीत में मिली समस्या के बारे में बताया कि यात्रा में दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिसमें से एक गौरीकुंड का सकरा मार्ग है, वहीं दूसरी केदारनाथ में अधिक संख्या में यात्रियों के आने से उनके रुकने की समस्या है, जिसे तुरंत दूर किए जाने के निर्देश दिए। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है, मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है, इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, अपना इक्विपमेंट नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेकर चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।